हॉलीवुड में हीरो बनना बहुत आसान होता है, लेकिन हिंदी फिल्मों में बहुत मुश्किल। विक्रम जैसी, आई एम एन एक्टर। हिंदी फिल्मों का हीरो ना सिर्फ एक्टिंग करता है बल्कि गाने गाता है, कॉमेडी करता है, डांस करता है, एक्शन करता है। हिंदी फिल्म में हीरो बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। और हीरोइन बनने के लिए सर? हमें मतलब उसमें भी चाहिए। स्क्रीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नाम है। ऐसे में विक्की प्रोडक्शंस की अगली फिल्म में पैरेलल हीरोइन का रोल कर रही है। यू नो, किसी ने कहा है कामयाबी और नाकामयाबी इंसान खुद ही चुनता है। हिट हो जाने के बाद फिल्म प्रोड्यूसर रोबी रॉली अपनी अगली फिल्म दिल की आग की तैयारी में बिजी हैं। सफर मेरे पास आया था तो क्या था? राजकाय कुछ देखा? जय माता दी। पंडित जी ओके ओके करते रहते हैं। कितनी बार कहा है इनसे, पांच आपका लकी नंबर है, मुहूर्त पांच को करिए। इस फिल्म के डायरेक्टर रोबी रॉली के छोटे भैया रंजीत रॉली है। यूएस में ब्लॉकबस्टर थी ये फिल्म, सुपर हिट। फिल्म की हीरोइन भी नई है, 70s की सुपरस्टार नीना की बेटी निकी वालिया। But when mom told me Romy uncle was to sign me, I said, what are you saying? Now I'm going to be compared to my mom, you know. जितना प्यार आप लोगों ने बरसों तक मुझे दिया है, अब मेरी बेटी निकी को भी दीजिए। You know, जब इस जनरेशन के बच्चे ऐसी बातें करते हैं, तो one really feels alive. Trust me, mom. Still alive. और हमेशा की तरह रोमी रोली प्रोडक्शन के हीरो हैं जफर खान। आई एम वर्किंग लाइक अ मशीन, मैकेनिकल हो रहा हूं। जफर खान एक इमेज है, ही इज एन आइकन। इट इज ऑल डेस्टिनी। ये किस्मत क्या है? ये वर्ड उन लोगों के लिए है जिनमें अपनी जिंदगी खुद बनाने की हिम्मत नहीं होती। मैंने जिंदगी में हिम्मत नहीं दिखाई, मुझे क्या मिला? मौके मिलते नहीं सुबह, बनाए जाते हैं। कामयाबी हम तक नहीं आती, हमें कामयाबी तक जाना होता है। सपनों से भरे नैना, मेरी पिक्चर शुरू हो रही है। यहाँ टैलेंट के साथ साथ लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है।